मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है और लीजिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए हमारे शरीर में कई प्रकार के ऐसे गंभीर रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे हार्ट अटैक, पैरालिसिस, कितने गंभीर रोग हैं। यदि इनसे पीड़ित कोई व्यक्ति है तो मौत से जूझने वाला रोग है। और इसका जो कारण है वो है हाइपर एसिडिटी। जिस व्यक्ति को एसिडिटी है तो आप समझ लीजिए कम से कम भी 17-18 रोग उसके शरीर में उत्पन्न होंगे। एसिडिटी से बहुत गंभीर रोग बनते हैं, हार्ट अटैक, नसों में ब्लॉकेज। इस प्रकार की जो अम्लता होती है ये होती है हमारे पेट की अम्लता, जिससे जलन होती है। हमारे पेट में जलन होगी, चेस्ट में जलन होगी, मुंह में पानी आएगा, खट्टी डकारें आएंगी। इस प्रकार से जो एसिड बनना शुरू हो जाता है उसका तुरंत इलाज शुरू करें। और जब ये हाइपर एसिडिटी में आ जाता है तो उसी के होने के कारण ये एसिड हमारे रक्त में प्रवेश कर जाता है और फिर ये हमारी रक्त नलिकाओं में बाधा उत्पन्न करता है और रक्त जो है वो सुचारू रूप से बहने में बाधा आती है। इस प्रकार से ये हमारी नसों को ब्लॉक कर देता है और इसी के कारण हार्ट अटैक और पैरालिसिस जैसे गंभीर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और कोई भी डॉक्टर आपको इसकी जानकारी नहीं देगा, क्योंकि वो आपको तुरंत बोलेंगे आप ऑपरेशन करा लीजिए या आप एंजियोग्राफी कीजिए और उसके बाद एंजियोप्लास्टी कर देंगे, एक छल्ला डाल देंगे आपकी नस में और उसके पश्चात फिर दूसरी नस में, फिर तीसरी नस में। ये इस प्रकार से नंबर आपका बढ़ता चला जाएगा। परंतु यदि आपको इससे बचना है तो सबसे सरल तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए एक रासायनिक क्रिया है अम्ल और अक्षार, ये दोनों मिलकर एक दूसरे को निष्क्रिय कर देते हैं। अम्ल हमारे शरीर में बनी रहा है एसिड, यदि हम अक्षारीय खाद्य पदार्थ, अक्षारीय चीजें खाना शुरू कर देंगे तो वो अम्ल को न्यूट्रलाइज कर देगा और ये समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अक्षारीय चीजें खाएं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है लौकी, जिसको घिया भी बोलते हैं या इंग्लिश में बॉटल गार्ड कहते हैं। घिया लौकी, इसका जूस निकाले आप, 200 से 300 मिलीलीटर जूस हो, उसमें तुलसी की पत्ती भी डाल सकते हैं और पुदीना की पत्ती भी डाल सकते हैं। ये भी एल्कलाइन होती है, अक्षारीय होती है। तो इसको सुबह ही खाली पेट आप प्रतिदिन पीते रहें और आप देखेंगे। अच्छा, इसमें सेंधा नमक और काला नमक ये प्रयोग करना शुरू कर दीजिए आप। सादा नमक जो आयोडाइज नमक आता है उसको एकदम बंद कर दीजिए, वो बहुत हानिकारक है ब्लॉकेज वाले के लिए, हार्ट अटैक वाले के लिए बहुत हानिकारक है। तो सेंधा नमक और काला नमक कम मात्रा में प्रयोग करें और लौकी का जूस जैसे मैंने बताया इसको प्रतिदिन खाली पेट पीते रहें। 21वें दिन से आपको आराम आना शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे आपकी जो नसें हैं उनकी ब्लॉकेज खुल जाएगी और ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होगी और 2-3 महीने में आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। तो देखिए ये बिना दवा का इलाज है और वो भी इतने गंभीर रोग का जिसके लिए आप लाखों रुपया खर्च करते हैं और महीनों बेड पर पड़े रहते हैं और पैरालिसिस वाला तो जिंदगी भर के लिए लाचार हो जाता है। तो भाइयों बहनों ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज मैंने आपको दी है। एसिडिटी वाला अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे, बिल्कुल लापरवाही ना करे और एसिड को तुरंत दूर करे। तो इस प्रकार से आप लाभ उठाते जाएं, शेयर करें, वीडियो को शेयर अवश्य किया करें, जन जन तक ये जानकारी पहुंच जानी चाहिए ताकि हमारे सभी भाई बहन इनसे लाभ उठा सकें। और सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को ताकि जन जन तक ये सुविधा पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।